इसके बाद अगला कदम ये है कि रईस भाई अगर जीत जाएंगे तो इंशाल्लाह अगर मिनिस्टर बने हो, हेल्थ मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर, तो मैंने पहले ही डाल दिया है वहाँ पे सर्वे नंबर 52-54 कुछ अपना काशी करके पास बाबला कंपाउंड, जिसमें स्कूल की मांग की गई है और हॉस्पिटल की मांग की गई है, गार्डन की मांग की गई है। देखो काम पूरा हुआ क्या उनका प्रॉब्लम है वो तो रईस भाई जवाब दे सकते, काम क्यों नहीं पूरा हुआ। इतना हुआ कि काम उन्होंने बहुत से काम करा दिए, 95% भी लगभग काम हो गए। अब उसके आगे आगे अड़चन क्या आ रही हो तो रईस भाई जवाब देंगे। जहाँ रईस भाई खाली ओपनिंग करेंगे, सिर्फ पूरा करेंगे रईस भाई ओपनिंग क्यों करेंगे, जब ओपनिंग करे तो उतना काम करे, अब जब पूरा हो जाएगा तो फिर करेंगे। अब अगर 2-5% काम बचा है तो उसके लिए क्या कोई दूसरा आगे ओपनिंग करेगा, वो तो हम लोग तकरीबन ये 90% काम हो गया, 90% बल्कि 95%। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो बनने जा रहा है किताबघर, उर्दू किताबघर जो बनने जा रहा है बहुत, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी रहेगा शायरों के रुकने के लिए, कोई हॉल नहीं है। तो इसके लिए मैं रईस भाई बोला कि इसकी जगह ये करा जाए, तो रईस भाई बोले हाँ ये बेहतर रहेगा। तो इसके लिए वो चीज़ हुआ कि मतलब कि अभी इसकी जगह ये बनेगा, किताबघर बनेगा, जगह अलॉट हो गई है, उसका परमिशन वगैरह मतलब लगभग हो गया है कि देख किसी की सिग्नेचर वगैरह रहेंगे, बाकी सब जगह से NOC मिल गई है अपने को। भिवंडी में बनेगा उर्दू घर, शाह आलम बॉस की बरसों की मेहनत का मिला फल। दोस्तों हम सब जानते हैं कि भिवंडी शहर को माइनॉरिटी का शहर कहा जाता है और यहाँ उर्दू बोलने और लिखने वाले लोगों की संख्या लाखों में है। वहीं इस बात को तवज्जो देते हुए भिवंडी ईस्ट के MLA रईस शेख ने भिवंडी के गैबी नगर इलाके में उर्दू घर बनाने का प्रस्ताव सरकार से पास कराया। ये उर्दू घर गैबी नगर स्थित पंचायत समिति की जगह पर बनाया जाएगा, जिसके लिए MLA साहब ने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का दरवाज़ा खटखटाया। आपको बता दें कि इस जगह पर कम्युनिटी हॉल बनाने के लिए शाह आलम शेख ने 2006 में महापालिका को आवेदन दिया था, जिसके बाद वो लगातार इसका फॉलोअप ले रहे थे। आखिरकार 2019 में रईस शेख MLA चुनकर आए और उनके सामने ये मामला आया। रईस शेख ने इस जगह कम्युनिटी हॉल की बजाय उर्दू घर का प्रस्ताव शासन के सामने पेश किया। इस उर्दू घर में एक ऑडिटोरियम, कॉन्फ्रेंस हॉल, 2 लाइब्रेरी, गेस्ट रूम और भी बहुत सी सुविधाएं होगी। भाई जानकारी के लिए आज की पत्रकार परिषद आपने किस विषय को लेकर रखा है? आज की पत्रकार परिषद जो विषय जो है वो स्कूल नंबर 62 के सामने गवर्नमेंट की जगह है पंचायत समिति, जिसके लिए मैं 2006, 2007 और 2008 से उसकी लड़ाई लड़ा था। उस टाइम में शादी हॉल के लिए और उस वक्त में ये देखो बहुत से पेपर वगैरह में आया था, उर्दू टाइम्स में, इनकलाब में, महाराष्ट्र वाणी में, हिंद माता में, सहारा पेपर में, ऐसे बहुत से पेपरों में इसका मामला उछाला गया था कि मशरकी हलका जब बना तो यहाँ पे एक भी शादी हॉल नहीं थी, जिसकी वजह से इस मुद्दे को मैंने उठाया कि कम से कम यहाँ पे शादी हॉल हो। और इसी के साथ मैंने दो मुद्दा और उठाया था, कब्रिस्तान का और फायर ब्रिगेड का। तो फायर ब्रिगेड का उसी टाइम में मेरे को जवाब आया कि इस पे कार्रवाई जल्द की जाएगी और वो फायर ब्रिगेड फौरन बन गया था। ये फायर ब्रिगेड की अर्जी मैंने डाला था और ये इंदिरा गांधी के सामने, क्योंकि जब मशरकी हल्का अलग हुआ तो फायर ब्रिगेड होना बहुत जरूरी है उसके लिए, तो मैंने वो पॉइंट दिया। और ये कब्रिस्तान का भी डाला था, जो चौहान कॉलोनी में कब्रिस्तान बनी है उसके लिए भी डाला था 2006 और 9 में इसकी अर्जी। कब्रिस्तान कब बनी? कब्रिस्तान तो अभी जब रईस भाई आए तो रईस भाई ने अपने फंड के जरिए उसको कब्रिस्तान को बनाया और बहुत अच्छा काम किया, लेकिन ये काम जो है बहुत पेंडिंग में था। इसके लिए मैंने कई बार गणेश नायक से मिला और मंत्रालय भी गया, बहुत बार गए, लेकिन ये हुआ कि फंड नहीं है तो इसके लिए नहीं बन रहा है, प्रोसीजर नहीं हो पा रहा है। उसमें बहुत से लोगों ने उंगली भी करे कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, लेकिन रईस भाई को जब मैं दिया तो रईस भाई बहुत खुश हुए इस ताल्लुक से और रईस भाई बोले कि ये चीज बना के रहूंगा।
और उसके बाद रईस भाई जब से कोशिश कर रहे थे तकरीबन 4-6 महीने से और ज्यादा ही से बल्कि, तो उस पर कोशिश करते करते अभी रईस भाई को माशाल्लाह बहुत कामयाबी मिली है। वो रईस भाई की कामयाबी हम सब की कामयाबी है। और ये जो देखो उन्होंने उसमें दिया था अपना जिला अधिकारी को कार्ड लेटर दिए और कॉरपोरेशन को लेटर दिए और उसके बाद पीडब्ल्यूडी को भी दिए। ये पीडब्ल्यूडी का देखो ये, तो ये सब हुआ वहां से, ये सब जवाब आया रईस भाई को कि तकरीबन ये 90% काम हो गया, 90 बल्कि 95%। इंशाल्लाह बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वो बनने जा रहा है किताबघर, उर्दू किताबघर जो बनने जा रहा है बहुत, उसके अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी रहेगा, शायरों के रुकने के लिए भी रहेगा, छोटा सा एक गार्डन टाइप का भी रहेगा। तो अभी ये काफी फंड से ये बनेगा। लेकिन यहाँ पर आप जिद्दोजहद कर रहे थे, आप जिद्दोजहद कर रहे थे शादी हॉल के लिए, अभी ये जो उर्दू किताब घर बन रहा है, तो ये तब्दीली कब हुई? ये तब्दीली इसलिए शादी हॉल का, मैंने रईस भाई को बोला कि अभी शादी हॉल यहाँ पे बनाना मतलब बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा और रात में लोग लाते हैं बारात, पटाखा फूटता है, ये होता है, तो इससे अच्छा कोई एक कौम के लिए ऐसा काम कर दो जो सबको फायदा हो, उसके अंदर प्रोग्राम होए। और यहाँ कोई ऐसा प्रोग्राम के लिए हॉल नहीं, तो यहाँ कोई हॉल के लिए प्रोग्राम नहीं है, प्रोग्राम के लिए कोई हॉल नहीं है, तो इसके लिए मैं रईस भाई बोला कि इसकी जगह ये करा जाए। तो रईस भाई बोले हाँ ये बेहतर रहेगा, तो इसके लिए वो चीज हुआ कि मतलब कि अभी इसकी जगह ये बनेगा, किताब घर बनेगा। लाख की लागत है और किसकी नीति से बनाया जा रहा है, देखो अभी तैयार कर दिया जाएगा इंशाल्लाह। ये अभी तो इलेक्शन लग गया जिसकी वजह से जरा मुश्किल है, इलेक्शन बाद फौरन इंशाल्लाह काम चालू होएगा और ये लाख की लागत नहीं रहेगी, करोड़ों की लागत में बनेगा और इंशाल्लाह उसका फंड रईस भाई लाएंगे। इंशाल्लाह भाई, जैसे आपने बताया कि कब्रिस्तान की बात आपने करी, तो ऐसा सुनने में आया है कि मतलब उसका जो है काम पूरा अभी तक हुआ नहीं। वो देखो काम पूरा हुआ, वो क्या उनका प्रॉब्लम है, वो तो रईस भाई जवाब दे सकते काम क्यों नहीं पूरा हुआ। इतना हुआ कि काम उन्होंने बहुत से काम करा दिए, 95% भी लगभग काम हो गए, अब उसके आगे आगे अड़चन क्या आ रही हो, तो रईस भाई जवाब देंगे। जहां तक मेरी जिम्मेदारी थी मैंने दिया था और उस जिम्मेदारी को रईस भाई तक पहुंचाया था और रईस भाई ने उस जिम्मेदारी को आगे तक पहुंचा दिया, अब आगे क्या है वो आप लोग रईस भाई से सवाल कर सकते। तो क्या रईस भाई खाली ओपनिंग करेंगे क्या, सिर्फ काम को पूरा करेंगे? रईस भाई ओपनिंग क्यों करेंगे, जब ओपनिंग करे तो उतना काम करे, अब जब पूरा हो जाएगा तो फिर करेंगे। अब अगर 2% 5% काम बचा है तो उसके लिए क्या कोई दूसरा आके ओपनिंग करेगा, वो तो हम लोग कहने भी नहीं देंगे दूसरा करने आएगा। तो इतना काम जो करा आदमी वही ओपनिंग भी करेगा, इंशाल्लाह बहुत जल्द करेंगे ओपनिंग, जो भी अड़चने वो दूर होगी। अब ये तो नहीं कि उतने काम के लिए हाथी निकाल दिए, दुम के लिए दूसरा आएगा कैंडिडेट करने के लिए ओपनिंग। 95% इसके लिए फंड मंजूर हो चुका है या नहीं? नहीं अभी नहीं हुआ है, लेकिन मंजूर होएगा इंशाल्लाह इलेक्शन बाद। मतलब आपका कहना है कि जगह अलॉट हो गई? जगह अलॉट हो गई है, उसका परमिशन वगैरह मतलब लगभग हो गया कि एकाध किसी की सिग्नेचर वगैरह रह गए, बाकी सब जगह से एनओसी मिल गई अपने को। जैसे उसमें दिया गया कि पीडब्ल्यूडी की जगह यहाँ पे है ये पंचायत उसकी, तो ये मेन रोड पे अभी यहाँ पे पीडब्ल्यूडी की जगह कैसे रह सकती है, तो इसके लिए उसके उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया गया था, उसके उसके ताल्लुक से बात की गई थी और उसमें मालूमात भी लिए गए था, तो ये हुआ कि नहीं यहाँ पे वो चीज हटा के पीडब्ल्यूडी के यहाँ पे ये चीज बनी। अभी भी इसका पेपर वर्क चल रहा है, पेपर वर्क तकरीबन का कंप्लीट है। आपने कहा कि अभी भी कई लोगों का सिग्नेचर बाकी है? नहीं कई लोग का नहीं, कुछ एक आध चीज बाकी रह गई जो हो जाएगी, नहीं मतलब वो हो गई है समझ लो, अभी मैं उतना क्लियर नहीं बता पाऊंगा। बताइए कि क्या पीडब्ल्यूडी की तरफ से आपको इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी मिल गई? हाँ वो उसका लेटर है ना हमारे पास, हमने आपको दिए भी है इधर पे, और ये देखो पीडब्ल्यूडी का लेटर है हमारे पास। ठीक है।